डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 13.4 एनसीईआरटी बुक से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से तीसरे नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस है। हालांकि आप इन क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो इसलिए हम आपको टफ या हार्ड बोल रहे हैं ताकि आप जो है अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे, क्योंकि क्या है बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये जो है सवाल बहुत हार्ड है। तो हार्ड आपके लिए नहीं हो, इसलिए आप जरूर इसे अच्छे से समझिए क्या बोला जा रहा है। धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिनक के आकार का है। यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे रुक गए, फिर क्या बोला, जितना पढ़े उतना का फिगर बना लेते हैं। क्या बोला कि धातु का चादर से बना ऊपर से खुला हुआ एक सिरा है, ऊपर खुला हुआ है, ऐसा छेनक है जो ऊपर से ये क्या है, ऊपर से ये खुला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये वाला भाग खुली है, खुला खुली कुछ भी कह सकते हैं, और नीचे वाला जो आकृति है, नीचे वाला जो है ये कलर है, ये बंद है। ऐसा कोई धातु से बना हुआ एक बर्तन है जो शंकु के छिनक के आकार का है। यहाँ पे सवाल पढ़े, ऐसा बना दिए, रुक गए, फिर क्या बोला, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। जी हाँ, अब इसकी ऊंचाई के बारे में बात बोला, तो इसकी ऊंचाई कितना है, एच के बारे में बोला 16 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, 16 सेंटीमीटर तथा इसके निचली और ऊपरी सिरी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले निचली आया और ऊपरी, इसलिए 8 सेंटीमीटर, बाद में 20 है, तो पहले निचली आया तो निचली के लिए 8, ऊपरी के लिए 20, तो जो पहले आता है उसके लिए। तो निचली त्रिज्या कितनी है, तो निचली त्रिज्या ये वाला, तो ये त्रिज्या छोटी होगी और ये वाला त्रिज्या बड़ी होगी ऊपरी वाली, तो इसको आप छोटी वाली को नाम रख दीजिए R1 8 सेंटीमीटर और ये वाला त्रिज्या R2 बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है इसको लिख लीजिए। दिया है क्या, H बराबर 16 सेंटीमीटर, मतलब ऊंचाई, छोटी त्रिज्या R1 8 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या R2 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाला दूध, तो दूध उतना ही ना भरेगा जितना इसका कैपेसिटी होगा, इस बर्तन का कैपेसिटी मतलब आयतन, तो इसलिए छिनक का आयतन निकालेंगे हम लोग। छिनक का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 πh, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको वैल्यू निकाल देना है, 1/3 रखना है, पाई के जगह पे 22/7, एच के जगह पे 16, और ब्रैकेट वाला काम पहले करते हैं, R1 का स्क्वायर कीजिएगा 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करने के बाद जितना सेंटीमीटर क्यू आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 20 रुपया दाम है एक लीटर के ना, इसलिए सेंटीमीटर क्यू से, याद रखिएगा, एक सेंटीमीटर क्यू में 1/10,000 लीटर होता है, इसलिए जितना सेंटीमीटर क्यू आएगा उसमें जो है आप भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उसमें से 10,000 से आप भाग कर दीजिएगा, तब जाके ये कोची में चेंज हो जाएगा लीटर में। यानी कि जब सेंटीमीटर क्यू रहता है तो लीटर में चेंज करने के लिए 10,000 से भागा करते हैं। अब रहा बात कि सर लीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रुपया जो लग रहा है 20 रुपया एक लीटर का दाम ना है, तो इसलिए पहले इसको लीटर में चेंज करेंगे तब ना, तो यहाँ से 10,000 से भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना लीटर। अब करके लिखिएगा कि बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य, बर्तन को भर सकने वाले दूध का मूल्य,
दूध का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो जितना 1 लीटर का दाम 20 रुपया है, 20 रुपये प्रति लीटर बोल रहे हैं, मैंने 1 लीटर का दाम 20 रुपया, तो यहाँ जितना भाग करके 10,000 में आएगा उसमें जो है आप गुना कर दीजिएगा 20 से, तो उतना रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के एक वो आंसर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 20 यहाँ तो लिख दिया, पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ तक के हम लोग आंसर ला दिए। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इस बर्तन को बनाने के लिए, अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, पाई के जगह पे ना 3.14 लेना है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 3.14। हम बाद में अंतिम तक के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसलिए बाई मिस्टेक मेरे से हुआ है। पाई का वैल्यू 3.14, ध्यान से सुन लीजिए, फिर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है क्योंकि लास्ट में हम लोगों को लिखा हुआ है। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसको बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगा होगा पहले उसका निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे पुनः धातु की चादर का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए अब ये जो बर्तन बनाया गया है इस तरीके से, ऊपर से तो खुला है तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल तो ऐड नहीं करेंगे, नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल ऐड होगा और छिनक का वक्र पृष्ठ, यानी कि छिनक का वक्र पृष्ठ होगा प्लस नीचे वाला का, निचले सिरे का क्षेत्रफल, निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो देखिए छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल आर वन प्लस आर टू प्लस निचले वाला सिरा, तो निचल तो एक वृत्त रहेगा ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर। अब रावत की सर यहाँ एल तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले एल का फार्मूला हम बताए थे कि रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ एच का स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, एच कितना दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस आर टू में से आर वन घटाइए तो आर टू कितना है 20, 20 में से 8 घटाइए तो 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ के और फिर उसका रूट निकाल लीजिएगा, जितना आएगा वही हो जाएगा एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू रख दीजिएगा। पाई के जगह पर तो 3.14 रखना है, एल के जगह पे जितना आएगा रूट उसका करके उसका वैल्यू एल निकल जाएगा। फिर आर वन आर टू दिया ही हुआ है, तो इसका और प्लस पाई, पाई का जगह पे कितना 3.14, आर वन कितना, तो आर वन हम लोगों को दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब जितना क्षेत्रफल तो पता चल गया। अब लिखा है कि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यानी कि अब यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है 8 रुपया है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 8 रुपया, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा 8/100 रुपया। इसलिए यहाँ जितना आएगा इसको इसको जोड़ के जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च, उतना को गुना कर दीजिएगा 8/100 से और उतना रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बढ़िया से समझिए, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा था, एक कितना दूध अटेगा अधिक से अधिक और एक दूसरा कि इस बर्तन को बनाने में कितना चादर लगेगा। पहले ध्यान से समझ लीजिए कि पहले ही बोला कि ऊपर वाला खुला हुआ सिरा है तो नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त एगो जैसा गोला होगा छोटी वृत्त और बाकी वक्र पृष्ठ, तो इस तरीके से हम लोग दोनों को जोड़ देंगे जितना आएगा उस सेंटीमीटर स्क्वायर में। हालांकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा तब 8 रुपया लगता है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 8 रुपया, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा 8/100, 100 से यहाँ भागा हो जाता है, इसलिए जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको 8/100 से गुना कर दीजिएगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन भी बहुत टफ है, चौथे से भी बहुत टफ है पांचवा क्वेश्चन, तो इसको जरा अच्छे से समझिएगा। और दूसरा इसी टफ क्वेश्चन के साथ हम लोगों को ये एक्सरसाइज के साथ साथ
हम लोगों को ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए इसको बढ़िया से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। यहाँ तक पढ़ के फुल स्टॉप। सबसे पहले एक शंकु है और शंकु का शीर्ष कोण 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि इसका टोटल जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई ना 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर उसका ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर है टोटल ऊंचाई, ठीक है। एक शंकु है जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है और 60 डिग्री और इसका टोटल ऊंचाई का बात किया जाए इस शंकु का, तो टोटल 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। फिर क्या बोला गया कि इसके ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, इसकी जितनी ऊंचाई है उसका बीचों बीच, तो ऊंचाई तो 20 है और मान लीजिए कि इसका बीचों बीच यहाँ आता है, ठीक है, इसका ऊंचाई बीचों बीच यहाँ आता है और इसको ना हम लोग आधा आधा पे काट दिए हैं, तो इसका ऊंचाई टोटल 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी कितना रहेगा इसका, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ से यहाँ तक भी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रहेगा, तभी ना टोटल 20 होगा। तो कुल मिलाकर बीचों बीच से ब्लेड से काट कर बीचों बीच काटा गया है, यानी कि टोटल ऊंचाई 20 है तो इसका आधा पे काटा गया है, नीचे 10 हो गया ऊपर भी 10 हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काट कर एक तल से दो भाग में बांट दिया गया है। देखिए एगो 10 सेंटीमीटर पूरा हो गया, ये छिनक जिसको काट कर बनाया गया है। तो अब हम लोगों को तो समस्या ये है कि छिनक के बारे में, छिनक के लिए जो काट कर छिनक बनाया जा रहा है, सॉरी, जो छिनक बनाया जा रहा है, काट कर जो छिनक बनाया जा रहा है, तो छिनक के लिए हम लोगों को ऊंचाई पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई तो पता है छिनक के लिए, क्योंकि काट कर ये जो छिनक बनाया गया है, अब इसके बीचों बीच इसका त्रिज्या कितना होगा, तो ऊपर वाला त्रिज्या छोटा होगा जिसको हम लोग R1 कहेंगे और ये बड़ा एक त्रिज्या होगा जिसको हम लोग R2 बोलेंगे, ठीक है। तो ये छिनक का छोटी त्रिज्या होगी और ये छिनक का बड़ी त्रिज्या होगी, इसका नाम दे दे तो A B C D और E। दूसरा बात, इसके ऊंचाई को अगर मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री पूरा था तो हाफ हाफ में बचेगा, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, तो ए बी सी में चलेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में, तो आप त्रिकोणमिति भी पढ़े होंगे कि tan 30 बराबर पी बाई बी होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और इसके सामने वाला को P कहते हैं, P मतलब BC और बटा में B, तो इस त्रिभुज के लिए बेस कौन सा होगा, तो AC, क्योंकि सामने वाला तो P हो गया, ये तो कर्ण होगा AB, तो B हो गया आपका AC, तो 1/√3 और इसी BC को हम कह सकते हैं R1, तो R1 हो जाएगा मेरा, R1 हो जाएगा BC और बटा में AC हो जाएगा 10, इसलिए R1 का वैल्यू हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना था कि यहाँ R1 R2 नहीं दिया था, R1 R2 आपको निकालना है। वैसे ही अब बड़ी त्रिज्या के लिए बात करें तो बड़ा सा त्रिभुज में चलना पड़ेगा, ADE में, त्रिभुज ADE में अगर हम चलते हैं तो वही tan 30 बराबर P, तो 30 के सामने वाला P होगा जिसको P/B होता है ये फार्मूला, tan 30 का फार्मूला होता है 1/√3, P का मतलब इसके P है। देखिए अब 30 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरा कोण 60 डिग्री था, उसके बीचे बीच ऊंचाई को हम अगर किए हैं तो ये 30 में होगा, इधर भी 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 30 वाला से हम लोग R1 R2 निकाल रहे हैं, तो P का मतलब कितना, DE,
और बेस, बी मतलब कितना, टोटल, क्योंकि बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं ना, तो यहाँ बेस हो जाएगा AE। तो कुल मिलाकर 1/√3 इज इक्वल टू DE। DE को हम लोग क्या कह रहे हैं, R2, तो R2 बटा में AE, A से लेकर E तक टोटल ऊंचाई कितना है 20। इसलिए पता चल गया कि R2 बराबर हो गया हम लोगों को 20/√3, नीचे वाला 20 ऊपर जाएगा तो 20/√3। R1 पता चल गया, R2 पता चल गया और ऊंचाई पता चल गया। अब इतना चीज हमको पता चल गया तब हम क्या करेंगे, छिनक का आयतन निकालेंगे, छिनक का आयतन। जी हाँ, इसलिए क्योंकि आगे सवाल पढ़िए तो क्या बोल रहा है, शंकु के आधार के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ब्लेड से काट रहे हैं इसके बिल्कुल समांतर काट रहे हैं, तिरछा नहीं काट रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे मान लिया और यहां से ऐसे तिरछा काट लिया, तो ऐसा नहीं है, समांतर काटा गया, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। यदि इस प्राप्त शंकु के छिनक को, यानी कि जितना शंकु का छिनक आया गया, इसको बदला जाता है एक तार के रूप में। तो याद रखिए कि जब कभी भी हमको उसकी आकृति को बदलते हैं तो आयतन निकालते हैं। हम लोग पिछले देखे थे कि शंकु से बनाया जाता है कुछ और, बेलन बेलनाकार धातु रहता है उससे कुछ और बना दिया जाता है, तो जब उसको किसी दूसरे रूप में बदला जाता है तो आयतन निकालते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको, ये वाला जो छिनक है ना, इस छिनक को बदलना है, ध्यान रखिएगा। ये वाला सिर्फ ऊपर वाला शंकु को नहीं, ये वाला शंकु तो हम लोगों को ऐसे ही दिया था ताकि R1 R2 निकालने के लिए। हालांकि यहाँ हम फिगर में कट कर दे रहे हैं, आपको काटना नहीं है, हम समझाने के लिए कट किए हैं। तो ये जो, ये वाला शंकु को हटा दीजिए, हम लोगों को जो छिनक है उसी छिनक से एक पतला तार बनाया जाता है, तार। तो तार कौन सी होगा, तार मतलब, तार मतलब बेलन होगा। तो याद रखिएगा, इसी से हम लोगों को एक तार बनाना है, तो तार एक बेलनाकार होगा। तो इसीलिए शंकु का जो छिनक होगा, तो छिनक का जितना आयतन होगा उतना ही ना बेलन का आयतन होगा। तो इसलिए, अच्छा, बेलन के बारे में बोला गया, इस बेलन के बारे में कि इसका व्यास 1/16 है। तो ध्यान रखिएगा, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है हम लोगों को 1/16 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या होगी इसका आधा, तो 1/16 का आधा करेंगे तो 1/32। इसलिए बेलन के लिए आर का मान कितना रखेंगे, 1/32। ठीक है, तब बोला जा रहा है कि तार की लंबाई, तो तार की लंबाई माने कि तार की ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को मान लीजिए एल, कि बेलन की ऊंचाई या लंबाई बोल लीजिए। तो माना, माना कि तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर एल। ठीक है, माना कि तार की लंबाई एल। तो कुल मिलाकर हम प्रश्न से बोल सकते हैं, प्रश्न से क्या, प्रश्न से बोल सकते हैं कि जितना छिनक का आयतन होगा उतना ही बेलनाकार तार का आयतन होगा, बेलनाकार तार का आयतन। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु को किसी दूसरे रूप में बदला जाता है तो दोनों वस्तु का आयतन बराबर होता है। तो छिनक का आयतन किसके बराबर होगा, बेलनाकार तार का आयतन। छिनक का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और इधर कितना होता है, बेलनाकार तार का आयतन कितना होता है, π R² h, h मतलब कि हाइट, लंबाई। तो l हो गया यहाँ पे लंबाई। अब पाई से पाई तो कट गया दोनों तरफ, 1/3। R1 का वैल्यू कितना, तो 10/√3 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 × 20/√3। और इधर R² तो R² कितना, 1/32 का स्क्वायर गुने में L। तो यहाँ पे कितना होगा, तो 1/3 और ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100/√3 का स्क्वायर 3, 20 का स्क्वायर 400/3 प्लस 20 दहिया 200
और बट्टा में रूट तीन मिल गया, तो 3 बराबर 1/32 का स्क्वायर जितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 रह गया, 32 का स्क्वायर जितना भी होगा गुने में एल। अब क्या कीजिएगा, तो 1/3 अभी वाला जोड़ दीजिए, तो 400 और 200, 601, 700, तो 700/3, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ आ जाएगा 1/ जितना आएगा L, तो यहाँ 700/9 तो 9 हो जाएगा, 3 × 9, तो इधर तो हो जाएगा 700/9, और इधर 1/ जो होगा इधर आके पलट जाएगा, तो L का वैल्यू आप खुद से निकाल लीजिएगा कितना आएगा। तो हम चीज़ों को समझा दिए हैं, हालांकि ये टफ नहीं है, यहाँ पे R1 R2 नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग इतना मैकेनिज्म करके तब R1 R2 निकाले हैं, त्रिकोणमिति का यूज किए हैं तब जाके R1 R2 निकला, यही इसीलिए लोगों को ये हार्ड लगता है। तो कुल मिलाकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस से कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं होती है दोस्तों, इसलिए आपको मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो अब आप 2 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कीजिएगा, अगर नहीं आती है सॉल्यूशन तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त इस तरीके से हम लोगों का 13.4 चैप्टर ख़त्म हो गया, 13वां एक्सरसाइज जो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग एक न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।